दोस्तों आज किस वीडियो में जानेंगे कि नेशनल हेल्थ अथॉरिटी विभाग द्वारा आयुष्मान कार्ड को लेकर एक नया पोर्टल जारी किया गया, यह बात आप सभी जानते हैं। और इस पोर्टल के मदद से नया आयुष्मान कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं, आयुष्मान कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं और छूटे सदस्यों का नाम जोड़कर उनका आयुष्मान कार्ड बना सकते हैं। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसी पोर्टल पे अब एक और नया सुविधा लाया गया, जिसके मदद से कोई भी इंडिविजुअल पर्सन, चाहे उनका आयुष्मान कार्ड लिस्ट में नाम है या फिर नहीं है, उनके नाम से राशन कार्ड बना है या फिर नहीं बना है, कोई भी इंडिविजुअल पर्सन अब ऑनलाइन आवेदन करके आयुष्मान कार्ड लिस्ट में नाम जुड़वा सकते हैं और अपना आयुष्मान कार्ड बना सकते हैं। सो आगे इस वीडियो में आपको इसी को लेकर पूरे विस्तार से जानकारी देने वाला हूं कि कोई भी इंडिविजुअल पर्सन अब बिल्कुल नए तरीके से कैसे अपना नाम जोड़ने के लिए आवेदन करेंगे और उसके बाद किस तरह से आप आयुष्मान कार्ड लिस्ट में नाम जुड़वाकर आयुष्मान कार्ड बनवाएंगे। सो इसी के बारे में पूरे विस्तार से जानकारी मिलने वाले हैं इस वीडियो में, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। मेरा नाम है राजकुमार और आपका अपना ही चैनल राज हेल्प में आपका स्वागत है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो में आगे पहले हमेशा तरह आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। दोस्तों, अगर आप एक इंडिविजुअल पर्सन है और आपके किसी भी सदस्य का आयुष्मान कार्ड लिस्ट में नाम नहीं जुड़ा हुआ है, तो ऐसे में अब आप बिल्कुल नए तरीके से आयुष्मान कार्ड लिस्ट में नाम जुड़वा के अपना आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं। तो आयुष्मान कार्ड लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पे आना होगा। इस वेबसाइट पर आने के लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूँ, उस लिंक पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं आप डायरेक्ट इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। या फिर दोस्तों आपको कोई भी ब्राउजर में टाइप करना है beneficiary.nha.gov.in, ये लिख के आप जैसे सर्च करें तो भी आप इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। अब इस वेबसाइट पर आप जैसे आ जाते हैं सिंपली आपको इस तरह से स्क्रॉल करना है और यहाँ पे देखिए आपको दो ऑप्शन देखने मिलेगा, पहला बेनिफिशियरी, दूसरा ऑपरेटर। तो आपको बेनिफिशियरी पे क्लिक रहने देना है। यहाँ पे आपको अपना 10 डिजिट का मोबाइल नंबर एंटर कर लेना है और वेरीफाई बटन पे क्लिक कर देना है। वेरीफाई बटन पे आप जैसे ही करें दोस्तों इस तरह से वेरीफाइड हो जाएगा। अब आपको इस तरह से स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आना है और आपके मोबाइल पे ओटीपी गया होगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पे एंटर कर लेना है और यहाँ पे जो भी कैप्चा कोड देखने को मिलेगा हूबहू वैसे कैप्चा एंटर करना है और लॉगिन बटन पे इस तरह से क्लिक कर देना है। लॉगिन बटन पे आप जैसे ही क्लिक दोस्तों इस तरह से आप पोर्टल में लॉगिन हो जाएंगे। अब यहां से आपको अपना स्टेट का नाम सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका स्टेट का नाम है। उसके बाद आपको इस तरह से स्क्रॉल करना है, यहां से आपको अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट का नाम है। उसके बाद यहां से आपको सर्च बाय सेलेक्ट कर लेना है, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहां पे सर्च बाय सेलेक्ट कर लीजिए। लेकिन दोस्तों आप एक इंडिविजुअल पर्सन है, आपके किसी भी सदस्य का नाम नहीं जुड़ा हुआ है, तो ऐसे में अगर आप नाम जुड़वाने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं और आयुष्मान कार्ड बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए दोस्तों कि यहाँ पे जो ये लिंक देखने को मिला है, इस लिंक पे आपको इस तरह से क्लिक कर देना है। उसके बाद ये पेंसिल पे क्लिक करना है और ये जो सर्च लिखा है इस सर्च तक आपको क्या करना है, इस तरह से रिमूव कर देना है और उसके बाद इसके आगे लिखना है न्यू एनरोलमेंट। तो इस तरह से आप न्यू एनरोलमेंट लिख के सर्च कर लीजिए। न्यू एनरोलमेंट लिख के जैसे ही सर्च करें दोस्तों, तो इस तरह से आपको न्यू एनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलकर आ जाएगा। अब ये बिल्कुल नए हैं तो अभी प्रॉपर ये वर्क नहीं कर रहे, या हो सकता है कि आप ये वीडियो देर से देख रहे हैं तो उस समय ये वर्क कर रहा हो, लेकिन जो प्रक्रिया है वो आप जान लीजिए। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ से आपको क्या करना है, अपना स्टेट का नाम सेलेक्ट करना है और यहाँ से स्कीम नेम सेलेक्ट करना है और प्रोसीड विकल्प पे क्लिक कर देना है। तो इस तरह से आप प्रोसीड विकल्प पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आप प्रोसीड विकल्प पे क्लिक करें दोस्तों, तो यहाँ देखिए क्लियर बताया गया कि प्राइमरी मेंबर डिटेल, तो आपके घर का जो हेड मेंबर है उनका नाम आपको यहाँ पे लिख लेना है। यहाँ पे उनका जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल है फीमेल है, तो आप अपने अकॉर्डिंग इस तरह से सिलेक्ट कर लीजिए। उनका जन्म तिथि का जो ईयर है वो ईयर आपको सिलेक्ट करना हो तो इस तरह से आप जैसे वो ईयर सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपको इस तरह से स्क्रॉल करना है और यहाँ पे उनके जैसे फादर का नाम लिखना है, यानी कि पिताजी का नाम लिखना है। यहाँ पे आपको आईडी टाइप सिलेक्ट करना है कि कौन सा आईडी दे रहे हैं, राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड। तो अभी ये प्रॉपर वर्क नहीं कर रहे हैं, तो इस पर जैसे क्लिक करें तो अभी ये क्लिक नहीं हो रहा है, लेकिन आप ये वीडियो से देर से देख रहे हैं तो उस समय क्लिक हो रहा होगा या फिर हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। उसका दोस्तों यहाँ पे जो आप डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करेंगे वो डॉक्यूमेंट नंबर आपको यहाँ पे लिख लेना है। उसके बाद आपको इस तरह से स्क्रॉल करना है, यहाँ से कैटेगरी सेलेक्ट करना है कि आप कौन सी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, ओबीसी, एससी, एसटी, जनरल, तो आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लीजिए। मैं इस तरह से ओबीसी पे क्लिक कर दिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको एक डॉक्यूमेंट आईडी जैसे अपलोड करना होगा, तो उसके लिए आपको इस पर क्लिक करना है और जहाँ भी आपका डॉक्यूमेंट का स्कैन कॉपी है, जो आपने ऊपर डॉक्यूमेंट सेलेक्ट किया वो डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे अपलोड कर लेना है। उसका दोस्तों यहाँ पे आपको जो है कैप्चा कोड देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे जो भी कैप्चा कोड आपको देखने मिलेगा हूबहू वैसे कैप्चा एंटर करना है
और वेरीफाई एलिजिबिलिटी पे क्लिक कर देना है। अब जैसे आप वेरीफाई एलिजिबिलिटी पे क्लिक करें तो अभी प्रॉपर नहीं खुल रहे, तो आप एलिजिबल है या फिर नहीं है वो आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपको अपना ई केवाईसी कर लेना है, आधार, ओटीपी या फिंगरप्रिंट या जिस माध्यम से भी करना चाहते हो उस थ्रू से आपको ई केवाईसी कर लेना है। और ई केवाईसी जैसे आप करेंगे तो फाइनल सबमिट करना है, उसके बाद विभाग को जो सा आपका आवेदन चला जाएगा, रिक्वेस्ट चला जाएगा और वहां से चेक किया जाएगा। तो अगर आप रियल में इलिजिबल होंगे तो आपका आयुष्मान कार्ड लिस्ट में नाम जोड़ दिया जाएगा और आपका आयुष्मान कार्ड जारी कर दिया जाएगा। जैसे आपका आयुष्मान कार्ड जारी कर दिया जाएगा उसके बाद आप बहुत ही आसान तरीके से आयुष्मान कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों अभी ये प्रॉपर तरीके से ऑनलाइन आवेदन का जो प्रक्रिया है ये शुरू नहीं हुआ है, क्योंकि कुछ कॉलम जो सो फिलअप हो रहे हैं, कुछ कॉलम में जैसे कि कैप्चा सब हाईलाइट नहीं हो रहे, तो या फिर आप ये वीडियो देर से देख रहे हैं तो हो सकता है कि उस समय ये जो सो प्रॉपर वर्क कर रहा हो, तो आप एक बार जरूर चेक कीजिएगा। या फिर अगर आप चेक कर रहे हैं खुल रहे हैं या फिर नहीं खुल रहे हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में भी एक बार बता सकते हैं, जिससे हमें भी एक अनुमान लग सके।